टीवी न्यूज। उमरिया जिले में नहीं थम रहा है नवविवाहिता महिलाओं को ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित करने का सिलसिला। जिले के नौरंगाबाद थाना के अंतर्गत सकेरी नदी टोला निवासी सत्यवती प्रजापति नवविवाहिता महिलाओं के साथ उसके ही ससुराल वालों ने मारपीट जैसी घटना को अंजाम दिया, जहां गंभीर रूप से घायल महिला को करकेरी हॉस्पिटल से जिला हॉस्पिटल उमरिया के लिए 108 एम्बुलेंस से रेफर कर दिया गया एवं उपचार के दौरान नवविवाहिता महिला सत्यवती प्रजापति की मौत हो गई। वही सूचना मिलते ही ग्राम भंगरा निवासी मृतका के मायके पक्ष के लोग रोते बिलखते तत्काल जिला हॉस्पिटल पहुंच गए एवं पुलिस को अपना बयान देते हुए बताया कि विगत दिनों हमारी बेटी की शादी करकेली नदी टोला निवासी प्रीतम प्रजापति के साथ हुई थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद हमारे दामाद की ट्रेन से कटकर मौत हो गई और उसके मौत के बाद बेटी के ससुराल वालों ने उसे मारपीट करते हुए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और घटना के एक दिन पूर्व में भी उसके साथ मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गई एवं जिला हॉस्पिटल में सत्यवती ने दम तोड़ दिया, जहां हम पुलिस से मांग करते हैं कि बेटी के ससुराल वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे ऐसी दुखद घटना किसी और के साथ न हो सके। वही पुलिस एवं डॉक्टर टीम की मौजूदगी में मृतका के शव की पीएम कार्रवाई की गई एवं पीएम कार्रवाई के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वही पुलिस द्वारा इस घटना की जांच कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि विगत दिनों जिले में नवविवाहिता महिलाओं की मौत हो जाने की अनेकों घटनाएं सामने आई है, जहाँ ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जवाबदार लोग मुख्तसर बने हुए हैं, जिसके कारण घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है एवं ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून एवं समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा, तभी इन घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। पेश होगी अपने शंकर सिंह चंद्र की एक खास रिपोर्ट। लड़की मोर 8 बजे मोह से फोन करी सहल कैश की अम्मा मोह मारा थे तो मैं कहूँ बेटा कुछ न बोले, मैं अपने तोरे पापा का मैं दोपहर भेजा थू इतना माही हजूर रो रही तो मैं कहू न रो बेटा न रो, फिर वही जब बात करते करती मारे लगी वह फोन कट गया हजूर, फिर लगा देखो फोन नहीं लगो न वह के ससुराल वाले फोन करी न पता बताए, चले चले 3 बजे मुही पता मिला था कि तो लड़की तो अस्पताल में भर्ती है, तब फिर वह डॉक्टर आया इसे पैदल फिर बरबसपुर भर आए हजूर, बरबसपुर से जहे मैं आये हुआ मैं कहे मैं आऊँ हजूर मैं वाहन नहीं पायो, तो मेरे लड़की को जैसे मारे हैं उनको घर भरे इनके अच्छी कड़ाई पुलिस बिल्कुल उसको गली गली के जैसे मेरे बच्ची को करे वो गली गली की हो जाए, मैं हाथ जोड़ के पुलिस से कह रहा हूँ कि मेरे बच्ची को मार डाले, तो मेरे बच्ची को तो मर गए तो मर गए लेकिन उनको अच्छी कड़ाई होने चाहिए। मैं सबेरे से पता दाई थी फोन करी थी कि मैं घर के मनाई निकाला थे, फोन करके बताई थी मई सबको मारा थे मई तो मैं रिपोर्ट कर जानी थाना, ये तू बात करी सी कि सगले जन लपट के मारे लगे ही वही, फिर मार के यहाँ अस्पताल में भर्ती कर लाई अभी पता भी नहीं दई ना, फिर मंजिल वाली दीदी बताई सी कि वही पत्थर से मारी नहीं पूरा खून खच्चर कर डाली वही मार डाली नहीं, तो चाहिए थे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए सब लेन का ही जय भर का सास का ससुर ससुर उसको लड़ाई झगड़ा के मारे या मार के हॉस्पिटल में ले आए, हॉस्पिटल में लाए कल भर्ती करे और आज रात में 4 बजे मेरी बहन छोटी बहन खत्म घर वाले का ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाए के मारे के बाद मेरी बहन की मौत हुई है इसी वजह अच्छी सजा दी जाए उनको ससुराल वाले। मेरा नाम हरिलाल प्रजापति है, मैं ठगरा के रहने वाले हूँ। मेरे बहन की शादी मैं करकेली में किया था 2 महीने पहले, मेरे जी बहन का नाम है सत्यवती प्रजापति, बहनोई का नाम है स्वर्गीय प्रीतम प्रजापति नाम था, उन्हीं के 2 महीने पहले डेथ हो गए थे, तो उनके सहायता राशि कुछ पैसे मिले थे तो वही पैसा के चलते उनके ससुर ने प्रताड़ित कर रहे थे, मेरे से बताई है कि मैंने रोजा बाजार मेरे को प्रताड़ित करते, तो मैं कहा बेटा अभी तू न जा मैं साथ में आ जाऊँगा तब जाना, और हो गया 10 मिनट बाद जो है तो वो आए कि बहन तेरी वो हो गई है गिर गई उन लोग ऐसे मेरे को बता रहे हैं। बेटी नंदी टोला भी आई थी सत्यवती और मारपीट करे हैं और मार के और लानती अस्पताल में भर्ती कर देंगे, हॉस्पिटल में मेरी लड़की खत्म हो गई, लड़की को मारी नहीं ऐसे मोर लड़की खत्म हो चुकी है, ससुर देवर और सास अस्पताल में भर्ती है या प्रशासन के नियम में आते हैं ये, तो उनको जो है इतनी कड़ी प्रशासन जो उनके साथ की जाए, इतनी कड़ी शासन के साथ इनके साथ सजा दी जाए, आइंदा दूसरा कोई करने से पहले कदम सोचे कैसा हमको नहीं करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटों में क्या फर्क है,
हम इसीलिए बेटी पैदा करते हैं कि ससुराल में शादी करने जाए और दहेज के जो है कि मारी जाए, ऐसा नहीं है। और बेटी के ऊपर एक गीत है, आपके सामने दे रहा हूँ, कि बेटों से ज्यादा महान है बेटी, बेटों से ज्यादा महान है बेटी, और रिश्तों की पहचान है बेटी, बेटों से ज्यादा महान है बेटी, रिश्तों की पहचान है बेटी। और मैं ही कहना चाहता हूँ कि अपने बीबी को तुम देखो, वो भी किसी की बेटी है, सुख हो दुख हो चाहे कुछ हो साथ तुम्हारा देती है, अब बगिया की मुस्कान है बेटी, रिश्तों की पहचान है बेटी, बेटों से ज्यादा महान है बेटी। गाड़ी मंगवा के और डेडबॉडी यहाँ गया भर्ती किए, लड़की कूदी हो तो उसमें से गिरी है तो फड़फड़ा रही थी, हमला अस्पताल गगड़ार की बिटिया थी जो जिसका की विवाह नदी पार कर खेली में हुआ था, आज करीबन 5-6 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था और उसके पति की कुछ दिनों पूर्व मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसके सास ससुर ने उसको भारी प्रताड़ित करते इस प्रकार का आरोप उनके परिवारजनों के लोग लगाए हैं, और आज एक बार पुनः मतलब उसकी सास ससुर के द्वारा प्रताड़ना किए जाने के लेकर उसको मारपीट हुई ऐसा कहते हैं उनके परिवारजनों के लोग, और इसमें आज उसकी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से जिस प्रकार के परिस्थितियां उन परिस्थितियों से प्रथम दृष्टया तो ये मामला बनता है कि ये दहेज हत्या का मामला है, मलाई पति नहीं है तो उसके नातेदार के द्वारा और रिश्तेदारों के द्वारा किया गया अपराध है। हाँ, इसमें पुलिस को सूक्ष्मता से विवेचना करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये दहेज हत्या का मामला है या कि फिर डाउरी डेथ का मामला है, और क्यों 7 साल के अंदर की मृत्यु हुई है। इन सब चीज़ों को भी बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए, जो भी परिस्थिति बने उसको मर कायम करके जाँच करें, और जांच में जिस प्रकार का अपराध प्रमाणित हो उस प्रकार से कार्रवाई करना चाहिए, और यदि अपराध बनता है तो आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करें। देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि जो नवविवाहिता हैं वो संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल में उनकी मृत्यु हो जाती है और बाद में ये पता चलता है कि वो दहेज के काम की हत्या हो गई है। इन सब परिस्थितियों को भी पुलिस ध्यान में रखे और भविष्य में ऐसी घटना न घटे उसके विषय में भी सकारात्मक सोच पुलिस को रखनी होगी, और समाज के लोगों से भी आग्रह करते हैं बिटिया किसी की भी हो आपकी हमारी सबकी जान माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी, दहेज तो आता है और चला जाता है परंतु दहेज हत्या करना निश्चित रूप से अपराध किसी नहीं। महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न की बात सामने आ रही है इस समय अपने जिले में, उनको समझना चाहिए कि आज महिलाओं को कितना अधिकार है सरकार के द्वारा और संविधान में, तो वो अपने अधिकार का प्रयोग करें, पुलिस प्रशासन की मदद लें, परिवार परामर्श केंद्र जाएं, और अलग से महिला थाना का भी है निर्भया मोबाइल सेवा चालू है, तो अगर वो अपने विवेक से काम करें, मोबाइल तो उनके पास रहता ही है, संपर्क करें। भाई ये कदम उठाने से कोई आखिरी रास्ता नहीं हो सकता है, इससे क्या है और लोगों का मनोबल टूटता है। तो मेरा यही निवेदन है कि जो भी महिलाएं अगर प्रताड़ित हैं या समस्याओं से जूझ रही हैं तो पुलिस की मदद लें, और जो हेल्पलाइन नंबर है महिलाओं का उसमें संपर्क। कल जब आई तो परिजनों ने बताया कि ये कहीं सीढ़ी से गिर गई, उसके गिरने से इसको गंभीर चोटें आई थी सिर में, और आज इसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो फिर आप बाद में पुलिस पंचनामा सब हुआ कि वो ऐसा संदेह था कि गिरी नहीं, कहीं किसी लड़ाई मारपीट का केस रहा, तो अभी हम लोगों ने पीएम भी उसका कर दिया, सिर में गंभीर चोटें हैं, किसी खास वजनदार जगह पे या हथियार से मारने से या कहीं गिरने से दीवार से भी मृत्यु हो सकती है, ब्रेन हेमरेज की वजह से उसकी मृत्यु हुई।